क्वेश्चन नंबर 19. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द सिस्टमेटिक एरर इज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट. जो भी लीस्ट काउंट होता है सिस्टमेटिक एरर उसकी हाफ होती है. अगर कोई एरर नहीं दी है तो अपन लीस्ट काउंट एरर की आधी लेते हैं सिस्टमेटिक एरर को. अभी जैसे इसके अंदर यंग मॉडुलस दे रखा है, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर एक्स. अपन एरर लिखें अगर डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसमें एरर अगर लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी इसके मेजरमेंट में. अब डेल्टा एम मास दे रखा है, मास की वैल्यू दे रखी है 10 kg, और उसके अंदर जो एरर पॉसिबल है वो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 kg होगा और उसका आधा 0.1/2 होगा. तो ये हो जाएगा 0.1/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस डेल्टा एल. लेंथ में चेंज, लेंथ की वैल्यू 125 है और उसमें जो एरर हो सकती है वो 1 semi की हो सकती है, तो उसको अपन लिख देंगे 1 semi की एरर पॉसिबल है. तो 1/2 अपॉन 125 प्लस 2, इसमें एरर हो सकती है 0.1 की, तो 0.1/2 डिवाइडेड बाई 0.05 डायमीटर के मेजरमेंट में, और जो लेंथ का चेंज है वो 0.1 है प्लस 0.001 अपॉन 0.1/2 हो जाएगा ये भी. ठीक है, ये डेल्टा वाई अपॉन वाई है. अपन इसको सॉल्व करें, जैसे परसेंटेज की बात कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, दिस इनटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 21% के आसपास आएगा. 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 हो जाएगा. तो ये नियरेस्ट इंटीजर में ये आंसर 2 आ जाएगा इसका. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है 5. इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है. अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ये इसमें बता रखा है द वैल्यू ऑफ m2 एट विच द एक्सिस सिमेट्री ऑफ द डिस्क सिस्टम रिमेन स्टेशनरी. तो अगर डिस्क का जो एक्सिस है वो रुका हुआ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है और सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड से t1 t2 लग रहे हैं, तो दोनों साइड के टेंशन बराबर होंगे. ये किसके अंदर ये बात आ गई. दूसरा, ये m1 मास जो है, ये m1 मास सपोज कर ले रहा हूँ कि मैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं m1 मास का इक्वेशन लिखूंगा तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू रेडियस इज r1. सपोज इसका एंगुलर एक्सेलेशन अल्फा है तो एक्सेलेशन हो जाएगा अल्फा r1. दूसरा जो मास है, अगर एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, उसका इक्वेशन बनेगा टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू अल्फा r2. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद m2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, रेडियस वगैरह दे रखा है. अच्छा, एक टॉर्क का इक्वेशन इसके ऊपर बनेगा, ये तो m1 m2 फोर्स का इक्वेशन बन गया, टॉर्क का इक्वेशन बनेगा t into r1 माइनस t into r2 इज इक्वल टू i अल्फा. i दिया हुआ इसका और अल्फा भी हमें मालूम है. अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास 3 वेरिएबल है यहाँ पर, अल्फा है, टी है और m2, ये 3 वेरिएबल है, इक्वेशन भी 3 है. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, आंसर आएगा 5. थैंक यू.